नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए HBN न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आज की अहम खबर। मामला थाना क्षेत्र बहादराबाद का है, जहां एक निजी अस्पताल जया मैक्सवेल अस्पताल और ट्रामा सेंटर में स्त्री रोग विशेषज्ञ को बताए बिना ही अस्पताल प्रबंधन ने अयोग्य नर्सों से एक महिला की डिलीवरी करानी चाही, जिसमें नवजात ने जन्म लेने से पहले ही दुनिया को अलविदा कह दिया। मामले को बिगड़ता देख अस्पताल प्रबंधन के हाथ पाँव फूल गए और आनन फानन में महिला विशेषज्ञ को बुलाया गया और पीड़ित महिला का आनन फानन में ही ऑपरेशन करना पड़ा। परिवार ने अपने नवजात को तो खो दिया, लेकिन महिला की हालत भी गंभीर बताते हुए अस्पताल प्रबंधन ने महिला को फिलहाल आईसीयू में भर्ती कर रखा है, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पीड़िता के परिजनों के विरोध करने पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा पीड़िता के परिजनों के ऊपर हमला करा दिया गया, जिसमें पीड़िता के परिजन भी घायल हो गए। परिजनों के मुताबिक राजनीतिक दबाव को लेकर मामले को दबाने का प्रयास किया गया। शासन प्रशासन भी एकदम सुस्त नजर आए। मौके पर पहुंची पूर्णिमा गर्ग सीओ सदर हरिद्वार ने तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए बताया कि पीड़ित महिला का संपूर्ण इलाज इसी हॉस्पिटल में कराया जाएगा। प्रसव के दौरान जो नवजात की मृत्यु हुई है और अन्य आरोपियों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। जया मैक्सवेल में एक महिला के प्रसव को लेकर के जो घटना हुई है, सारे मामला की खराब के संज्ञान में पहुंचा, क्या कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी? देखिए, यहाँ पे थाने पर सूचना आई थी जय मैक्स हॉस्पिटल महिला का अपनी डिलीवरी के टाइम पर उनका डिलीवरी है। यहाँ पर लोग यहाँ पर आए थे, यहाँ पर तो यहाँ पर अभी वो सूचना है जिसमें आपका वजह से क्या मैम, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, क्या उनके खिलाफ भी आपके द्वारा या माननीय सीएमओ के द्वारा कोई कार्रवाई की जाएगी? वो जांच का विषय है, वो उसी के बाद पता चलेगा। बिना जांच के कुछ नहीं कह सकते। तो उसके आगे के लिए क्या है उसके? उनकी जो मदर है वो अभी यहीं पे एडमिटेड है, उनके यहीं पे ट्रीटमेंट होगा। तो जो लोगों ने यहाँ पे गलत अफरता की, उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई बनती है आगे के लिए? उनकी कार्रवाई जांच का विषय है, उसमें अपनी इन्वेस्टिगेशन होगी, कैसी कार्रवाई। ठीक है मैम, थैंक यू। डॉक्टर नहीं सारा नर्स थी, सर नर्स वही लगी पड़ी थी। तो सुबह के टाइम फिर पूछा इन्होंने इससे कि भाई सुबह के टाइम नॉर्मल हो जाएगा, थोड़ा दरअसल हुआ होगा उसको, ये कह लगे ना कि नॉर्मल हो जाएगा। जब इन्होंने देखा कि बच्चे की धड़कन भी बंद होगी, जब इन्होंने मैडम को फोन करा था। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? इन्होंने देखा कि इतना वो बच्चे की धड़कन बहुत कम हो गई, इन्होंने मैडम को नहीं फोन करा, इन्होंने अपने आप ही यानी कि वो करने चलो। अच्छा, जैसे ये देखा ना इन्होंने कराया कुछ 2:35 का प्लान, 9:30 बजे फिर इन्होंने फोन मैडम को, तो मैडम आई नहीं, पता नहीं क्या हुआ, आई ऑपरेशन कर दिया। अच्छा, नर्सों ने अपने आप ऑपरेशन कर दिया। अच्छा, डॉक्टर नहीं के बिना ही? डॉक्टर नहीं, मतलब डॉक्टर नहीं, मेरे स्टाफ की गलती है। अच्छा, डॉक्टर नहीं एक्सेप्ट भी कर रही? हाँ, स्टाफ की गलती है। इन्होंने कैसा इन्फॉर्मेशन दिया नहीं? अच्छा, इन्फॉर्मेशन नहीं किया? फोन नहीं करा। अच्छा, ऑपरेशन करने के बाद क्या बच्चा तुम्हारा हुआ निकला? और वह लेडीज? अच्छा, जब लेडीज डॉक्टर ने बोली कि इन्होंने मुझे विदाउट इन्फॉर्मेशन से ही अपने आप कर दिया सर, तो उसके बाद क्या हुआ फिर? कुछ आ रहा वो भी तो आए उन्होंने पकड़े भी तो गए, चार लड़के वो कहाँ गए थे? हरिद्वार साइड गए।